जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक है। मैं बतौर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी कराची में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम का मकसद पूरी दुनिया में 21 सितंबर को मनाए जाने वाले आलमी यौम यादाश्त के हवाले से आगाही और शोर माशरे में शोर फराहम करने का मकसद है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में उम्र बढ़ने के साथ साथ भी यादाश्त के मसाइल जन्म ले रहे हैं, और इस साल जो थीम मरकजी ख्याल है वो नेवर टू अगली नेवर टू ले, या इसका उर्दू में अगर हम वफाएँ बयान करें तो ना इतनी जल्दी कीजिए ना इसमें ताखिर कीजिए। यानी इस दफ़ा जो आलमी यौम यादाश्त की आगाही का दिन है, वो रिस्क फैक्टर जो कि यादाश्त की बीमारी के बनते हैं उसके हवाले से आगाही फराहम करना है। रिस्क फैक्टर यानी वो वजूहात जो इस बीमारी के होने की वजह या सबब बन सकते हैं, इनमें जो सबसे कॉमन है जो दुनिया भर में डॉक्यूमेंटेड है, उसमें एक तो यानी गजाई मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतियाती करना, शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी का अनकंट्रोल रहना, वज़न का बढ़ना, यासियत या मायूसी या डिप्रेशन कह लें, नींद के मसाइल कह लें, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल कह लें, इसमें सिगरेट नोशी, शराब नोशी या मुख्तलिफ इसके अलावा ज़हनी बीमारियों के हवाले से कह लें, ये जो कॉमन फैक्टर हैं जो कि हमारे माशरे में गिने जाते हैं। और फिर लोगों में सोशलाइज नहीं करना, यानी अपने आप को अलग तलग रखना, अलग करना, ये सब वो वजूहत हैं कि जो कि यादाश्त की बीमारी का सबब बनते हैं। लिहाजा अपने आप को सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारने का पाबंद बनाइए, अच्छी मुतवाजन ग़िज़ा लीजिए, फिज़िकली जिस्मानी तौर पे एक्टिव रहिए, तसव्वुर पसंदी से काम ना लीजिए, और लोगों में घुलने मिलने बातचीत तबादला ख्याल की आदत डालिए। उसके नतीजे में इंसान कॉग्निटिव तौर पे समझ बूझ के एतबार से भी एक्टिव रहता है, चाहे फिज़िकली एक्टिव रहना ज़रूरी है वहाँ समझ बूझ के एतबार से भी एक्टिव रहना ज़रूरी है, ताकि इस बीमारी की होने की वजूहत से बचा जा सके और इसमें जो दुनिया भर में ये आदाद शुमार बढ़ रहे हैं इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो लिहाजा इख्तिताम पे यही है कि ना बहुत जल्दी कीजिए, ना इसमें ताखीर से काम लीजिए। यादाश्त के हवाले से क्योंकि ये अगर बीमारी इकट्ठा हो जाएगी और ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, तो उसका इस वक्त आज की तारीख तक तो ऐसा इलाज मुयसर नहीं है जिसकी बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर रिकवरी हो सके। अल्जाइमर डिजीज के बारे में ये बात कह रहा हूँ जिसकी मुकम्मल को रिकवरी है, न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज़ है जो कि एक दफ़ा शुरू हो जाती है तो ये फिर जारी रहती है। लिहाजा अपने आप को सेहतमंद रखिए, सादा तर्ज ज़िंदगी, अच्छी गुजार, फिजिकली एक्टिव रहिए, ताकि आप एक लंबी समझ बूझ के साथ जिंदगी गुजार सकें।